हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन इन योर हैंड्स। हम आज स्टार्ट करने चाह रहे हैं क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी, और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और ज्योग्राफी क्या होता है। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं ज्योग्राफी जो है एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कैसे है। तो ये तो हम लोग को समझ आ गया कि जो ज्योग्राफी है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स को एक साथ मिला के हम लोग को रिजल्ट दिखाता है। सो ऑब्वियसली ये एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें साथ में आती हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ज्योग्राफी नेचुरल साइंसेज जैसे जूलॉजी एंड सोशल साइंसेज जैसे हिस्ट्री, इन सभी को मिला के हम लोग को रिजल्ट दिखाते हैं। सो ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन और सिंथेसिस, ठीक है। इसमें हमने स्पेशल सिंथेसिस देखते हैं, मतलब रीजन टू रीजन क्या किस तरीके से काम हो रहा है, उन सभी चीज़ को हम लोग एक इंटीग्रेटेड वे या होलिस्टिक वे में हम लोग उसको स्टडी करते हैं। ये ज्योग्राफी से हम लोग को पता चलता है कि जो पूरा अर्थ है, ठीक है, उस अर्थ में आखिर किस एरिया में क्या हो रहा है। जितने भी साइंसेज हैं, चाहे वो नेचुरल हो या सोशल साइंस हो, ठीक है, वो सब हम लोग को रियलिटी बताते हैं, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चाहे वो जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें रियलिटी दिखाती हैं कि क्या हो रहा है। उसी तरह ज्योग्राफी भी क्या करता है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करके हम लोग को लिंक करके बताते हैं कि आखिर रियलिटी में हो क्या रहा है, फिनोमिना किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। इन सारे इंफॉर्मेशन को सोशल साइंसेस और जितने भी नेचुरल साइंसेज, उन सबको इंटीग्रेट करके हम लोग को बताता है कि किस रीजन में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस रीजन में किस टाइप का वेजिटेशन है, किस रीजन में किस टाइप का फिजिकल फीचर्स है, और किस रीजन में किस टाइप का आप कह सकते हो नेचुरल वेजिटेशन, सॉरी नेचुरल वेजिटेशन तो हो गया, किस टाइप का पॉपुलेशन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज्योग्राफी में। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ज्योग्राफिकली एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है जिसमें अलग अलग जो स्टडी है, ठीक है, अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसके एस्पेक्ट्स को हमको ले उसको लेके हम लोग ज्योग्राफी में बात करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझना ज्योग्राफर्स का काम है, और ज्योग्राफर्स इन सारी चीज़ों को समझ के इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करके हम लोग को रिजल्ट बताते हैं, और लास्ट में वो लोग फोकास्ट भी करते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर इंडिया की बात करें तो अगर हम लोग फिजिकल फीचर्स की बात करें तो हिमालयस जो है वो एक बैरियर की तरह काम करता था हमारा एंशियंट टाइम से, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे हिमालयंस है, ठीक है, और जब भी अगर देखोगे हिस्ट्री में तो अटैक जो है वो हमेशा यहाँ से होता था, नॉर्थ वेस्ट से होता था। क्यों यहाँ से नहीं होता था, क्योंकि हिमालयंस जो है प्रोटेक्ट करके रखते थे। इसके अलावा अगर कोस्टल एरियाज की बात करें ज्योग्राफी की, ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग ट्रेड अलग अलग कंट्री से स्टार्ट कर पाए थे। जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इंडिया पे आए थे, वो इसी सी रूट के थ्रू ही आए थे। तो हम देख सकते हैं हिस्ट्री किस तरीके से ज्योग्राफी से लिंक करता है, ठीक है, और इंडिया के जितने सारे फिजिकल फीचर्स हैं वो किस तरीके से लिंक कर रहे हैं। तो ये जो ज्योग्राफिकल फेनोमेना है वो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जो लैंडफॉर्म्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, वेजिटेशन, सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो अगर ये ज्योग्राफी जो है डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसी के साथ साथ सोसाइटी भी चेंज होती है, उसी के साथ साथ इकोनॉमी भी चेंज होती है, उसी के साथ साथ पॉलिटी भी चेंज होती है। अगर ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारे एनिमल्स हैं, जूलॉजी, ठीक है, हमारा जो ओशनोग्राफी है, हमारा जो मेट्रोलॉजी है, वो सारी चीज़ें भी चेंज होंगी। तो क्योंकि ज्योग्राफी डायनामिक है तो ये सारी चीज़ें भी डायनामिक हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से बोला गया कि टाइम जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है ज्योग्राफिकल स्टडीज़ का, ठीक है, और ये एक फोर्थ डायमेंशन भी हम लोग को दिखाता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी आप सभी का समझ गए, इट इज़ एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। तो फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरल साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। अगर हम लोग बात करें बायोज्योग्राफी के बारे में, तो बायोज्योग्राफी जो है बहुत क्लोजली स्टडी करती है प्लांट्स के बारे में, जो कि बॉटनी भी करती है। उसी तरह जूलॉजी जो है वो इकोलॉजी की तरह काम करती है। जूलॉजी भी स्टडी करता है हमारा एनिमल्स को, एंड इकोलॉजी भी स्टडी करता है हमारे एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, उनके हैबिटेट को। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से नेचुरल साइंसेज और फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स किस तरीके से मिल रहे हैं। और अगर ये सब चीज़ें छोड़े, अगर आपको याद होगा 9th-10th में आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स देखे होंगे इस तरीके से जो कि साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी कि हाँ ये साइंटिफिक एस्पेक्ट इसमें भी आ रहा था, चाहे वो प्रेशर एंड विंड्स का हो चैप्टर 4 क्लाइमेट में,
ठीक है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको साइंस की जो कह सकते हो जो नेम्स है या फिर जो डेफिनेशंस है आपको देखने को मिल रहे थे। तो फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंसेस में बहुत ज़्यादा रिलेशन है और क्लोज रिलेशन है। तो ज्योग्राफर होता है उसको मैथमेटिक्स भी अच्छे से आना चाहिए और आर्ट्स भी आना चाहिए। मैथमेटिक्स इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी में जो है हम लोग मैप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैप्स। तो जो शेप है वो अर्थ का वो एक जियॉड है, जियॉड है एक स्फीयर की तरह है, लेकिन उस स्फीयर को हम लोग को टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना होता है। ठीक है, तो उस टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को सही तरीके से दिखाने के लिए, ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स आने चाहिए, आपको कार्टोग्राफिक टेक्निक्स आने चाहिए और मैथमेटिक्स का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैप्स बनाने हैं, स्केचेस बनाने हैं, तो उसके लिए आपको आर्ट भी आना चाहिए। तो एक ज्योग्राफर को सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, उसको आर्ट्स में भी अच्छा होना पड़ेगा एक अच्छा ज्योग्राफर बनने के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स क्योंकि आपको जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, कार्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ता है, और मैप्स इसलिए क्योंकि जो डिज़ाइन है, स्केचेस हैं, वो आप उसी तरीके से बना सकते हो। तो फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि नेचुरल साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेस के बारे में, तो सोशल साइंस में हमने देखा है कि आती है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी। ठीक है, तो ये किस तरीके से जो है हमारा ज्योग्राफी से सिंथेसाइज करती है। तो अभी तक तो हम लोग ज्योग्राफी को सोशल स्टडीज़ के अंदर पढ़ते ही आ रहे थे, तो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत कभी भी होगी नहीं। जो हमारे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो हम लोग की बात करता है किस तरीके से हम लोग को रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरीके से एक्सचेंज होता है। तो उसी तरह ज्योग्राफी भी हम लोग को बताता क्या है कि जो रिसोर्स है वो किस कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से दोनों बहुत अच्छी तरीके से लिंक है। ठीक है, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग को ये देखने को मिलेगा, अगर इंडिया के हिस्ट्री की बात करें, जो ट्रेड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोस्टल रीजन से पहले स्टार्ट हुआ था। कोस्टल रीजन से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सी वेज है, और इस तरीके से हम लोग बाकी के एरिया में जो है आप कह सकते हो बाकी के वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए थे। क्यों जो है वॉर, मतलब जो भी हमारा आता था अटैक होता था नॉर्थ वेस्ट एरिया से होता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है हमारा। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट से ही अटैक क्यों होता था, यहाँ से क्यों नहीं होता था, क्योंकि यहाँ हिमालय प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री का लिंकअप हो गया। तो आप समझ ही सकते हो कि ज्योग्राफी और सोशल साइंसेस में तो बहुत ज़्यादा लिंकअप है। ओके, अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी। सो बेसिकली यहाँ पे दो अप्रोचेस आपको देखने को मिलेंगे, पहला है सिस्टमैटिक अप्रोच और दूसरा है रीजनल अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग ज्योग्राफी का एक एस्पेक्ट को लेते हैं, ठीक है, और फिर जो है पूरे वर्ल्ड को स्टडी करते हैं। तो अगर हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट्स को ले रहे हैं, ठीक है, तो सॉइल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में वर्ल्ड ओवर हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह अगर हम लोग ह्यूमन एस्पेक्ट को लेते हैं तो पूरे ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। सो बेसिकली सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है, ये एक फेनोमेना है जो कि पूरे वर्ल्ड को एज अ होल करके हम लोग पढ़ते हैं, और उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एक टाइपोलॉजी को या एक स्पेशल पैटर्न को। ठीक है, एक एलिमेंट को लेके हम लोग पूरे वर्ल्ड में पढ़ते हैं। रीजनल अप्रोच में ठीक उल्टा होता है, उसमें हम लोग एक एलिमेंट को नहीं लेते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग रीजन्स में डिवाइड करते हैं और उस रीजन में जो जो एलिमेंट है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में हम लोग एक एलिमेंट को लेते हैं, एक स्पेशल पैटर्न को लेते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, ह्यूमन एस्पेक्ट हो, ठीक है, और उसके बाद उसको वर्ल्ड वाइड पढ़ते हैं। रीजनल अप्रोच में हम लोग रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और रीजन्स में डिवाइड करके फिजिकल एस्पेक्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट, इस टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करें तो उसमें आ जाएगा कि वर्ल्ड ओवर क्लाइमेट कैसा है, लेकिन रीजनल अप्रोच में बात करें इंडिया में क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, तो इस टाइप से चेंजेस होते हैं। ओके, तो डुअलिज्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि सिर्फ एक एस्पेक्ट कभी भी ज्योग्राफी में जो है इफेक्ट नहीं करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डुअलिज्म। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। तो इसमें सबसे पहले आती है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जो है स्टडी करती है लैंड फॉर्म्स के बारे में, किस तरीके से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ था। फिर आते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब
जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे, वेदर, क्लाइमेट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सब हमें क्लाइमेटोलॉजी में मिलेगा। फिर आती है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी तो आपको पता है वाटर से रिलेटेड होंगे, तो अर्थ में जितने कितने ओशन से लीक से किस तरीके से बन रहे हैं वो सारी चीज़ें हाइड्रोलॉजी में। और सॉइल ज्योग्राफी में सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल के टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया हमारा फिजिकल ज्योग्राफीज, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, तो एक तरीके से जो पृथ्वी, वायु, पानी और धरती, ठीक है, जो आपको एलिमेंट्स ऐसे भी बहुत सारे टीवी सीरीज मूवीज में भी आपको यही सब एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लैंड, वाटर, विंड एंड सॉइल, या अर्थ ये कहना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका आता है सबसे पहले सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग सोसाइटी के बारे में देखते हैं कि उसका कल्चर क्या है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी में पॉपुलेशन में हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, और सेटलमेंट ज्योग्राफी हम लोग स्टडी करते हैं अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम लोग हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के बारे में देखते हैं, किस तरीके से एक रीजन में चेंजेस आए हैं। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर देखते हैं, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसा हुआ है, ठीक है, एक फिर इलेक्शन सिनेरियो कैसा होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा है, तो ये सब हम लोग इसमें देखते हैं। सो फिजिकल ज्योग्राफी आप लोग समझ के, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सोशल साइंस है वो आ जाते हैं, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी और सोशल एंड कल्चर ज्योग्राफी। ओके, और लास्ट हमारा आता है बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी है फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम लोग प्लांट ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन, जू ज्योग्राफी, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, इकोलॉजी या इकोसिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से जितने भी स्पीशीज हैं उन लोग का हैबिटेट्स डिसाइड होता है, और लास्ट में हम लोग इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये थोड़ा सा नया एस्पेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका आ गया लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल एंड हाइड्रोलॉजी। जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें आ गए आपके सोशल साइंस के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, आपका सोशोलॉजी का सोशल एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। बायो ज्योग्राफी में प्लांट्स, जू, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, तो ये हो गए आपके ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। अगर बात करें ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग रीजनल स्टडीज करते हैं, ठीक है, एरिया वाइज, जिसमें मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज करते हैं। माइक्रो हो गया एक बहुत ही स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, मीजो हो गया उससे बड़ा, और मैक्रो हो गया एज अ होल। ठीक है, तो हम लोग हर एक रीजन को डिवाइड कर देते हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग एक मैक्रो लेवल पे, मीजो लेवल पे और छोटे से माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। उसी तरह रीजनल प्लानिंग हो, ठीक है, चाहे वो अर्बन प्लानिंग हो, रूरल प्लानिंग हो, वो हम लोग जो है रीजनल अप्रोच के हिसाब से पढ़ते हैं। रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, चाहे वो रीजनल एनालिसिस हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं रीजनल अप्रोच में। तो बेसिक वर्ड यहाँ पे है रीजनल। ठीक है, रीजन वाइज जो है हम लोग स्टडी करते हैं, रीजनल प्लानिंग होता है, रीजनल डेवलपमेंट होता है और रीजनल एनालिसिस होता है। ठीक है, आप रीजनल एनालिसिस करते हो, उससे आप रीजनल प्लान करते हो, किसका, रीजनल एरिया का, ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, आप रीजनल एनालिसिस करते हो रीजनल प्लान, ताकि रीजनल प्लान हो सके, उस रीजनल एरिया का करते हो ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। अगर हम लोग बात करें तो दो एस्पेक्ट होते हैं जो कि किसी भी डिसिप्लिन को जो है कॉमन होते हैं। पहला आता है फिलॉसफी और दूसरा आता है मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो फिलॉसफी में आ गया आपका ज्योग्राफिकल थॉट और दूसरा आ गया लैंड एंड ह्यूमन इंटरैक्शन। ठीक है, या आप कह सकते हो फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे किस तरीके से इंटरैक्शन होता है। ठीक है, और ज्योग्राफिकल थॉट्स में आ गए कि जिस तरीके से फिनोमेना है, किस तरीके से जितने भी प्रोसेस हैं वो हो रहे हैं। मेथड्स और टेक्निक्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स आते हैं, जैसे कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफी इज मेकिंग मैप्स। ठीक है, कार्टोग्राफी इज मेकिंग मैप्स।
क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, आपका जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हैं ठीक है, वो किस तरीके से प्ले करता है वो इसमें आ जाता है। फील्ड सर्वे मेथड्स आपके आते हैं, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्राइजिंग टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग GIS GPS, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियो पोजिशनल सैटेलाइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जोग्राफी में आती हैं। तो अगर हम लोग बात करें किसी भी डिसिप्लिन में जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिलोसफी, फिलोसफी मतलब कि वो जो डिसिप्लिन है वो क्या है, ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट क्या है, उसमें क्या क्या फिनोमेना आते हैं, ठीक है, किसका इंटरेक्शन होता है, किस तरीके से इंटर रिलेटेड है फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स, ठीक है। मेथड्स एंड टेक्निक्स की ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए या उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैप्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, फील्ड सर्वे मेथड्स हमेशा ही ज़रूरत पड़ेंगी, और इसके अलावा आपके जो कुछ टेक्निक्स हैं GIS GPS, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था कि हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में पता चलता है, हमें क्लाइमेट एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलता है, हमें वाटर के बारे में पता चलता है, एंड हमें सॉइल के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास 7 के फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट बहुत एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है और रिलेटेड भी है। अगर हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी जाना है तो फिजिकल एनवायरनमेंट का बेटर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये सब इकोनॉमिक बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग और आगे बढ़ना है तो उसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने देखा ज्योग्राफी सबसे पहले क्या है, ठीक है, उसमें क्या आता है, किस तरीके से ज्योग्राफी हम लोग को बताता है फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में, किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड है, ठीक है, किस तरीके से ज्योग्राफी सोशल साइंसेज से रिलेटेड है। तो हम लोग को पता चलता है नेचुरल साइंसेज सोशल साइंसेज दोनों के ही एस्पेक्ट्स को मिला के ज्योग्राफर्स अपना काम करते हैं। तो अगर हम लोग ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो दो अप्रोच आए थे, सबसे पहला आता है सिस्टमैटिक अप्रोच और दूसरा आता है रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच में हमने देखा था कि पूरे एक एलिमेंट को लेके पूरे वर्ल्ड ओवर स्टडी किया जाता है, और रीजनल अप्रोच में रीजन वाइज स्टडी किया जाता है। सिस्टमैटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है एंड बायोज्योग्राफी है, और रीजनल अप्रोच के हिसाब से आपका रीजनल एनालिसिस है, रीजनल प्लानिंग है, रीजनल डेवलपमेंट है और रीजनल एरिया है, ठीक है। और फिर हमने लास्ट पढ़ा कि फिजिकल ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या है, वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।